हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक न्यू नोटिफिकेशन आउट है, बहुत ही अच्छा है। राजस्थान मदरसा बोर्ड की तरफ से ऐसा आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक पीडीएफ भी है जो भी मैं आपको अभी बता दूंगी। इसमें जो पोस्ट है, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आपकी पोस्ट है। एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें टोटल 6,843 वैकेंसीज़ है, जिसमें से आपकी एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए 4,143 हो जाती है एंड सेकंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपकी 2,700 वैकेंसीज हो जाती है। इम्पॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट का क्या है, इसमें 27 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक आप इसमें फिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। सैलरी का लेवल मैं अभी आपको बताती हूँ पीडीएफ में से, एक सेकेंड। इसमें यहाँ पे ये रहा इसका पीडीएफ। इसमें राजस्थान बोर्ड ऑफ हायरिंग टू सिविल पोस्ट की तरफ से है, दो पोस्ट है। इसमें कोड आपको अगर आप एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए फिलअप करते हैं तो EI का आपको पोस्ट कोड डालना है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए करते हैं तो आपको CI डालना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वैकेंसीज मैंने आपको बता दी, 27 अक्टूबर से स्टार्ट है। एंड सैलरी का इसमें नहीं बताया गया है, सैलरी शायद आपकी वहीं पर डिसाइड की जाएगी। और ये क्या है, 27 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं, 25 नवंबर लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है minority.rajasthan.government.in मदरसा बोर्ड स्लैश बीच में लगा के, ठीक है। 27 तारीख से इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें हम बात करेंगे, हम बाकी की जो हम बात कर रहे थे, एज लिमिट कितनी है, 18 से 35 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, रिटर्न एग्ज़ाम बेस्ड रहने वाला है। आप रिटर्न एग्ज़ाम देंगे और जैसे ही इसके बारे में कोई और डिटेल वीडियो आती है, कोई मतलब डिटेल PDF आता है तो उसकी वीडियो भी मैं अप्लाई कर दूंगी इसी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अभी 27 तारीख से स्टार्ट है, उसके बीच में जो भी नोटिफिकेशन आता है सब मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको याद रहे, एंड वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएँ।